नवाब मलिक को देशद्रोही कहना अपराध है तो 50 बार करूंगा यह क्राइम, महाराष्ट्र विधानसभा में फिर बोले शिंदे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को विधान परिषद में सफाई दी की। उन्होंने विधानसभा के नेता विपक्ष अजीत पवार और विधान परिषद के विपक्ष के नेता अंबादास दानवी को देशद्रोही नहीं कहा था, उन्होंने तो नवाब मलिक को देशद्रोही कहा था जिनका आर्थिक संबंध देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के साथ था। मुख्यमंत्री शिंदे ने जोर देकर कहा कि यदि किसी देशद्रोही व्यक्ति को देशद्रोही कहना अपराध है तो यह अपराध मैं 50 बार करूंगा। गुरुवार को विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया। दानवे का कहना है कि बजट सत्र की पूर्व संध्या 26 फरवरी को विपक्ष ने सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अच्छा हुआ कि हम देशद्रोहियों के साथ चाय नहीं पी सके। शिंदे के बयान के खिलाफ विरोधी पक्ष नेता दानवे के सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया। एनसीपी एमएलसी शशिकांत शिंदे सहित विपक्षी नेताओं ने कहा कि शिंदे सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। जब महाविकास अघाड़ी सरकार का गठबंधन किया गया था तब उन्होंने विधायकों को एक साथ लाने में मदद की और कैबिनेट में मलिक के साथ बैठे थे। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध एमएलसी अनिल परब ने कहा कि उन्होंने कभी भी राष्ट्र विरोधियों का समर्थन नहीं किया और शिंदे जब एक कैबिनेट मंत्री में थे तब उन्होंने यह सब क्यों नहीं कहा। इस पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के साथ किसी भी नेता को देशद्रोही नहीं कहा है बल्कि नवाब मलिक को देशद्रोही कहा है। उन्होंने सदन में कहा कि अंडरवर्ल्ड के साथ वित्तीय लेनदेन के खुलासे के बाद भी महाविकास अघाड़ी सरकार ने मलिक को कैबिनेट मंत्री से नहीं हटाया, संजय राठौर को हटाया तो मलिक को क्यों नहीं। शिंदे ने आगे कहा कि मैंने एमवीए शासन के दौरान उद्धव ठाकरे से कहा था कि मलिक को मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए, जब संजय राठौर को हटाया जा सकता है तो मलिक को क्यों नहीं, लेकिन वह मलिक से इस्तीफा नहीं ले सके, इन सब के चलते हमने उन्हें छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस दौरान शिंदे मुंबई बम विस्फोट का मामला उठाया जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे ने पूरा मामला सदन में रख दिया है, ऐसे में अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का मामला बनता ही दिख रहा है फिर भी विपक्ष अड़ा रहा है कि मुख्यमंत्री पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाना चाहिए। मैंने नवाब मलिक को देशद्रोही कहा था जिनका आर्थिक संबंध देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के साथ था। यदि किसी देशद्रोही व्यक्ति को देशद्रोही कहना अपराध है तो यह अपराध मैं 50 बार करूंगा, क्या बोली उपसभापति नीलम गोरे। इस पर उपसभापति नीलम गोरे ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज करना स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं तय करूंगी कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए कि नहीं। हमने मुख्यमंत्री को स्पष्ट करने के लिए समय दिया, उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। पर आम्ही बिल्कुल त्यामध्ये माझं स्पष्ट मत आहे कि ज्या नवाब मलिक हा देशद्रोही है, तुमचं त्याला अंबादाजी समर्थन है, नवाब मलिकला समर्थन है आपलं, या देशद्रोहाच्या बद्दल देशद्रोह बोलायचं नाही। ज्यांनी शेकडो लोकांना निरपराध बळी घेतले दाऊदने त्याच्याशी संबंध डायरेक्ट आले त्याच्यामध्ये सगळे पुरावे आहेत, मग जर आम्ही त्याला देशद्रोही म्हणत असेल तर अजित दादांनी होतो ना मंत्रिमंडळ तेव्हा तर आम्ही सांगितलं मुख्यमंत्र्यांना, त्यांना सांगितलं याचा राजीनामा घ्या। नाता भाऊ त्यासाठी त्यांना मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं कि याला याचा राजीनामा मागा, संजय राठोडचा राजीनामा घेतला, नवाब मलिकचा का नाही घेतला, याच्यासाठी आम्ही भांडलो आणि म्हणून तर नाता भाऊ आम्ही सोडलं त्यांना, ज्या देशद्रोहांना पाठीशी घालू लागले त्यांच्या विरुद्ध बोलू नाही लागले त्या ठिकाणी, त्यामुळे तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागला। आणि म्हणून सभापती महोदया आपण मला दिलेली संधी जी आहे मी पुन्हा एकदा सांगतो, नवाब मलिक हा देशद्रोही, त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, दाऊद बरोबर असू द्या ना, पण दाऊद बरोबर ज्यांचे संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत त्याला मी देशद्रोही म्हटलेलं आहे, पुन्हा मी देशद्रोही म्हणेन। आणि पण यामध्ये अजित दादांना मी देशद्रोही म्हटलेलं नाही, त्या देशद्रोहाला पाठीशी आपण घालतात, त्याचा राजीनामा मागत नाही, म्हणून आपण बरं झालं आम्हाला महाराष्ट्र द्रोही म्हणालात तर आपल्या बरोबर चहा पिणं आमचं टळलं, हे बरं झालं, याच्यामध्ये माझं काय चूक आहे, याला राजकीय रंग देण्याची आवश्यकता नाही। फक्त माझं एवढंच म्हणणं आहे ज्या दाऊदने ज्या या मुंबईमध्ये अनेक वेळा बॉम्बस्फोट घडवले त्या दाऊदच्या बरोबर त्याच्या बहिणीबरोबर ज्यांचे आर्थिक व्यवहार आहेत, खऱ्या अर्थाने टेररिझमला दहशतवादाला खतपाणी घालणं पैसा पुरवणं ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत, आणि अशा माणसाला मी बोललोय देशद्रोही, त्यामुळे माझं या ठिकाणी आणि मी पुन्हा एकदा विचारतो मी खाली विचारणार आहे की अशा देशद्रोहाला द्रोहाचं समर्थन आपण करू शकता का, करता का,
आणि त्यासाठी जे काय मला मग पुढे मला जे काय तो खुलासा झालाय तुमचा अजून पुढे काही नाही. हा मग देशद्रोहाच्या विरोधात बोलणं हे जर गुन्हा असेल तो गुन्हा मी एक वेळा नाही 50 वेळा करेन. 50 वेळा करेन. मला असं वाटतं की सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा दिलेला आहे 3 सदस्यांना